अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आलियास कुज़िन। आज मैं आपके लिए विंटर की एक स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडे का हलवा बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाली है और बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हम इसको बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर हमने 20 अंडे लिए हैं और हमने यहाँ पर आधा किलो लिया है मावा खोया। तो बिल्कुल फ्रेश हमें इसमें खोया चाहिए और यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें लगेगा 1 से 1.5 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर। हमने लिए काजू बादाम और किशमिश, सेफ्रॉन ली है और ये चीज़ें सभी ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं जितने भी आपको डालना हो। आधा किलो हमने ली है शुगर, यहाँ पर 250 से 300 ग्राम मैंने लिया है देसी घी। तो देसी घी का ही इस्तेमाल करना है हमें, तभी हमारा जो हलवा होगा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए मैंने पैन में डालकर इसको 1 बड़ा चम्मच और इसको मेल्ट कर लिया है। जैसे ये हल्का सा गर्म हो जाएगा इसके बाद हमें इसमें काजू बादाम और किशमिश डालकर बिल्कुल सिम पर फ्लेम को रखना है और इसको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो बस बिल्कुल हल्की आंच पर ही इनको हमें फ्राई करना है फ्रेंड्स, धीरे धीरे, ताकि ये बहुत ही अच्छे से इसमें से खुशबू आने लग जाए और ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स हैं बिल्कुल रेडी हैं, इनको निकाल लेते हैं। बिल्कुल हल्का ही हमें इनको फ्राई करना था बस इसी तरह से। अब जो एग हैं पहले हम इनको एक बाउल में तोड़ लेते हैं। डायरेक्ट ही हमें इसको तपेली में नहीं तोड़ना है फ्रेंड्स, जिस भी पैन में बनाना हो उसमें डायरेक्ट आप नहीं तोड़ें, आपको यही रिकमेंड करूँगी मैं। इस तरह से हम तोड़ कर डालेंगे तो इसमें अगर बाय चांस कोई छिलका वगैरह आ जाए तो उसको भी आसानी से हम हटा सकते हैं। तो सारे अंडे मैंने यहाँ पर तोड़ कर रेडी कर लिए हैं। अब इनको अच्छे से बीटर से हम बीट कर लेते हैं। बहुत अच्छे से हमें फेंट लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से अंडों को फेंट लिया है। अब ऐड कर देते हैं हम इसमें शुगर, तो हमें सारी ही इसमें शुगर ऐड कर देना है और शुगर डालने के बाद भी इसको थोड़ा सा हम फेंटेंगे। तो बस इसी तरह से बीट कर लेते हैं इसे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मावा डालते हुए इसको फेंटते जाएंगे। तो एक साथ हमें सारा मावा इसमें ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा इसमें डालते हुए और इसको फिर हम फेंटते जाएंगे। और फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो अंडे इस्तेमाल करें आप, तो रूम टेम्परेचर पर रखे हुए अंडे चाहिए हमें, फ्रीज में रखे हुए ना इस्तेमाल करें, वरना मावा मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है। जो घी था इसको मैंने मेल्ट करके रख लिया था, ये गर्म नहीं है, सिर्फ हमने इसको मेल्ट किया है। अगर गर्म घी हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, अगर गर्म हो तो उसको आप पहले ठंडा कर लीजिएगा उसके बाद इसमें ऐड करिएगा। तो बस घी भी ऐड कर देंगे और इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सेफ्रॉन भी ऐड कर देंगे इसमें और बस गैस ऑन करेंगे हम और फ्लेम को करेंगे सिम पर। और अब इस पर रख देते हैं हम पेन, जिसमें भी हमें हलवा बनाना है वो बर्तन, और अब अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। तो बस पूरी प्रोसेसिंग जो भी है फ्रेंड्स हलवा बनाने की, वो हमें सिम पर ही करना है और बिल्कुल भी हमें हाथ को नहीं रोकना है, बस चलाते ही रहना। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी फ्रेंड्स, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है, आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी आप इस रेसिपी को अगर फॉलो करेंगे तो। स्पून हमें लगातार चलाते रहना है। देखिए पहले इस तरह से ये पतला होगा, फिर उसके बाद हलवे के फॉर्म में आने लगेगा धीरे धीरे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसमें थिकनेस आने लगी है। मुझे आधे से 1.5 घंटा हो गया है फ्रेंड्स लगातार इसको चला रही हूँ मैं। तो हमारा हलवा बहुत ही ज़्यादा दानेदार सा बनने वाला है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं किस तरह से ये एकदम चेंज होता जा रहा है। देखिए बिल्कुल थिक हो चुका है और ये हमारा जो हलवा है ये बनकर रेडी है। तो अब ऐड कर देंगे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स, जायफल, जावित्री का पाउडर और इसके साथ ही इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसको और चला लेते हैं। अगर आपको लगे यहाँ पर कि इसमें घी कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो हलवा है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार है और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो इसको कर लेते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शानदार सा अंडे का हलवा बनकर रेडी है और इतना ज़्यादा टेस्टी बना है ना फ्रेंड्स कि ये जब आप बनाएंगे और इसको खाएंगे ना तो आपको जब ही पता चलेगा ये, और आप देखकर ही इसकी रंगत समझ सकते हैं। हमने इसमें कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है, सिर्फ इसमें हमने केसर ऐड की है।
बिल्कुल नेचुरल कलर का हमारा जो हलवा है बनकर रेडी हुआ है, और माशाल्लाह जितना अच्छा है दिखने में लग रहा है, खाने में भी इसका टेस्ट इतना ही ज़्यादा लाजवाब है। और फ्रेंड्स हाँ, एक बात और कि आप इसमें जायफल जावित्री का पाउडर भी ज़रूर ऐड करिएगा, बिल्कुल भी अंडे की स्मेल नहीं आएगी अगर आप इसे ऐड करेंगे तो। और सभी स्टेप्स को फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपका भी हलवा जो बनेगा बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।